अंदर ताकत होती है, हम दो के लिए। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं भागवत कथा में, तो फिर जिसका आप थोड़ा थोड़ा तो देख चुके हैं, अब हम आपको उसके आगे का दिखाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम चलते हैं भागवत कथा में, और आप मेरे साथ आगे तक बने रहना। अब हम पहुंच चुके हैं मेरी मौसी के यहाँ, जहाँ पर भागवत कथा है। गाइस, आप मेरी वीडियो के एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत अच्छी बात है। आप वाकई में समझ गए हैं कि अब हम भागवत कथा में एंटर हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज जाने लगे, उन्होंने कहा मैं इच्छा तो चाल के रुक जाऊं, पर ये रोके तो रुकू, बिना बोले कैसे रुकू। और हमारे मालवा में कहते हैं पहले दिन का पामना दूसरे दिन का, और तीसरे दिन घर भी जाए तो खाली 10 मिनट की कथा और शेष है। मेरी बात समझिएगा, पति पत्नी घर में बैठे, मेहमान आया, मेहमान की इच्छा है कि 2-4 दिन रुकू। बंबई जैसा बड़ा शहर, हमने कहा इतनी महंगी सिटी में कैसे पाले मेहमान को, अतिथि कब जाओ, अब अतिथि जाने का नाम ओंकारेश्वर से ले जाकर सवा चार हम गो के लिए जीवन में एक छोटा सा संकल्प करें कि कम से कम एक गौ माता का रक्षण हमारे जीवन में करेंगे। इस हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं और मात्र 8 करोड़ गोवंश देसी गो माता, जिसे हम गो कहते हैं, वो 8 करोड़ गोवंश इस भारतवर्ष में हैं। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर उन 50 प्रजाति की देसी गो माता है, उसमें से कोई भी एक देसी गो माता आप लालन पालन कर लेना। ये जरूरी नहीं कि वो गिर नस्ल की हो, कि काठियावाड़ी हो, कि काकरोच हो, कि वो बुर्रा हो, कि देसी, किसी भी प्रकार की एक देसी गो माता को। प्रचलन में अभी 38 प्रकार की गौ माता इस पृथ्वी में है, 10-12 प्रजाति बहुत कम मिलती है, कहीं दर्शन करने को मिलती है। हम एक देसी गौ माता का घर में पालन करेंगे, यदि गौ माता की रक्षा हुई, विप्र दैनो सुर संत हिनम लीनहु मनुज अवतार। भगवान का मनुष्य का अवतार भी जब लेते हैं तो पहले विप्र ब्राह्मण के लिए कहा है। ब्राह्मण के लिए क्यों कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है, और धर्म रक्षति रक्ति भगवान ने यदा यदा इस धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान विविध रूपों में आकर के धर्म की रक्षा करते हैं। तो हमें भी अपने धर्म में जीना है, सनातन संस्कृति के लिए जो कार्य करते हैं उन लोगों के साथ में अपना कंधे से कंधा मिलाकर साथी हाथ बटाना रहे, एक मिलकर थक जाए तो सब मिलकर के बोझ उठाना रहे, साथी हाथ बटाना रहे, सब मिलकर के हाथ बनाएंगे और पुनः सनातन धर्म को हम लोग, जो संस्कृति 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को दी, जिस गौ माता का उन्होंने रक्षण किया, क्योंकि समय तो पूरा हो गया होगा, जब यहाँ हम लोग वैसे भी लेट हुए, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं सभी संतों से, क्योंकि मैं हाँ दूसरी गाड़ी से आया प्रभु, एक गाड़ी नर्मदा मैया में डूब गई तो नई गाड़ी से आए, तो उसके स्पीड से तो माँ की कृपा रही,
आप सभी संतों का आशीर्वाद रहे कि हम सनातन धर्म के लिए सभी संत पंथ मत भेद सबको हटा करके सनातन धर्म के लिए कार्य करें और सनातन धर्म के लिए ही जिएंगे, सनातन धर्म के लिए ही मरेंगे। अब लोग कहते हैं मरते कैसे हैं, अरे सनातन धर्म का कार्य कार्य करते 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 हमारी अंतिम सांस पूरी हो जाए वो सनातन धर्म के लिए मरना है, उसमें है क्या नई बात। तो बोले धर्म लेके क्यों मरना है, धर्म कभी मरना नहीं सिखाता है, धर्म हमेशा जीना सिखाता है। और जीना क्या है, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया। एक मानव के मन में जब ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है उसका एक अपना गुरु होता है, बिना गुरु से किसी धर्म का व्यक्ति हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे आप कोई भी कार्य करें, जगह चलाने की कला क्यों हो, वो भी यदि अच्छे गुरु से सीखे होंगे आपके जीवन में कभी भी एंटर होंगे। और गुरु होने के नाते हमारे शाह गुरु हो सकते लेकिन दीक्षा गुरु जीवन के रखना, एक बार जिसको स्वीकार कर लो उसको अंतिम सांस उसी गुरु के प्रति अपनी राह रखना, आपका पार हो जाएगा जी एक होगा, क्योंकि गुरु बिना नहीं सकता। भगवान शंकर के विरंचि विष्णु शंकर सम हो, विरंचि ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान के समान भी हो जाएं, इनके बिना कोई नहीं कर सकते हैं। नारद जी जैसे मनुष्य के पास एक बार गए और जाकर के प्रार्थना करी तो विष्णु जहां नारद जी खड़े जल छिटने लगे, नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा प्रभु ये क्या कर रहे, वापस पलट के आए, प्रभु मैं इतना पवित्र हूं जहां मैं खड़ा था वहां आपने जल छिट करके पवित्र किया धरती को। बोले नारद जी तुम्हारा मुखार भी तो बड़ा पवित्र है लेकिन तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है ना, तो नोगरे से धरती अपवित्र हो जाती है, इसलिए मैंने जल छिट करके इसको पवित्र किया है, तुम पहले गुरु बनाओ। देखिए भाई यहाँ पर संत महात्माओं की बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर वो लोग बैठकर भोजन करेंगे। देखिए गाइस कितनी प्यारी व्यवस्था की गई है, उनके भोजन करने के बाद मैंने भी यही भोजन करा।